सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो यहाँ पे जो आप अभी देख रहे हो ना, ये L2 के तरफ से उनका हमारे पास शिफ्टर एंड ड्राइव ट्रेन जो है वो आया हुआ है। अभी तक हम लोग मार्केट में मोस्टली हम लोग देखते हैं कि शिमानो के शिफ्टर्स होते हैं या फिर SRAM के होते हैं, विच आर क्वाइट एक्सपेंसिव, एंड दीज आर कंपेयर टू शिमानो एंड SRAM काफ़ी अफोर्डेबल बजट में ये मार्केट में अवेलेबल है। एंड येस, यू गाइज कैन ईजिली बाय इट इन इंडिया, आप इसको इंडिया में इम्पोर्ट कर सकते हो। सो ये है L2 का ग्रेवल ग्रुप सेट, इसको ओपन कर लेते हैं हम। पैकेजिंग वाइज दिस इज़ हाउ इट ओवरऑल लुक्स, एंड दिस इज़ यू कैन सी कि पूरा कैसा है। मैंने इसको उल्टा रख दिया था और ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये L2 के ग्रेवल का ग्रुप सेट है। यस, दिस इज़ दी 1/10, यानी कि 1/10 का ग्रुप सेट है ये। सो दिस इज़ दी L2 10 स्पीड ग्रेवल डीरेलर जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो डिज़ाइन वाइज अगर मैं बोलूँ तो ये मेरे को कहीं ना कहीं SRAM के जो पहले के डीरेलर्स आते थे उसके तरह ये पूरा मेरे को लग रहा है। X7 या शायद ऐसे करके कुछ आता था, X9 और समथिंग करके, पूरा वैसा ही ये लग रहा है। यहाँ पे जॉकी व्हील्स को भी हम देख सकते हैं, ये SRAM के जैसा ही पूरा लुक वाइज थोड़ा थोड़ा देखने में लग, बिकॉज जो L2 का पूरा कंपनी है उनके सारे एम्प्लॉयज पहले SRAM के लिए ही जॉब किया करते थे। दिस लुक्स रियली गुड, द टेंशन इज रियली नाइस, काफ़ी अच्छा खासा टेंशन इसमें है। एंड ओवरऑल फिनिशिंग ऑफ द डीरेलर, हियर इज अ क्लोजर लुक, दिस इज द GR7, यहाँ पे इन्होंने प्रिंटिंग दिया हुआ है एज यू कैन सी हियर। एंड वी हैव द लोअर एंड हायर का स्क्रू हमको यहाँ पे मिल जाता है, L2 की ब्रांडिंग है यहाँ पे, माउंटिंग के लिए हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है। एंड साथ ही साथ वी हैव दी बी लिमिट स्क्रू एज वेल। ये जो बॉक्स में से फ्रंट का डीरेलर निकला है ये इस ग्रेवल का नहीं है, ये रोड बाइक के ग्रुप सेट का है, तो मैंने इसको एक साथ रख दिया था बिकॉज ये मेरे को खाली लग रहा था, तो हम इसको अभी साइड रख देते हैं। लेट मी रिमूव दी शिफ्टर्स नाउ सो दैट आई कैन शो यू। सो दिस इज दी L2 शिफ्टर, ये लेफ्ट हैंड का शिफ्टर है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे शिफ्टिंग के लिए कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर दी ब्रेकिंग के लिए ये दिया गया है बिकॉज इट्स अ 1/10 ग्रेवल ग्रुप सेट। लीवर्स का फिनिशिंग यू कैन चेकआउट कि पूरा कैसा है। यहाँ पे इस तरीके से L2 की ब्रांडिंग है, फिनिशिंग इज लाइक दिस। ऊपर का भी डिजाइनिंग आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हो। ब्रेकिंग करने पे ये सामने से कुछ इस तरीके से लगता है। इनर साइड में वी हैव द सिमिलर मैकेनिज्म जैसा रोड बाइक ग्रुप सेट का होता है। नाउ वील रिमूव दिस 10 स्पीड का शिफ्टर जो इसके ग्रेवल का है, एंड हियर इज द शिफ्टिंग मैकेनिज्म दैट यू कैन सी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एंड डाउन करने के लिए L2 का जो सिस्टम है उन्होंने यहाँ पे ये शिफ्टिंग दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आ गया पूरा नीचे। दिस इज़ दी ओवरऑल डिज़ाइन। सो इट्स लाइक कि आप जब इसको ऐसे पकड़ते हो ना, तो ये आपका ब्रेकिंग हो गया एंड यहाँ से आपका शिफ्टिंग हो गया, एंड देन आप अपने थंब को यूज़ करके यहाँ से गियर्स को डाउन भी कर सकते हो। सो दिस इज़ दी रोड बाइक ग्रुप सेट जो L2 के तरफ से हमको यहाँ पे मिला है। सो वी हैव दी फ्रंट एंड रियर शिफ्टर्स, एंड ब्रेक का जो हमारे पास मिलता है वो है ब्रिफ्टर्स। वी हैव दी 11 स्पीड रियर डीरेलर एंड 2 स्पीड फ्रंट डीरेलर। ये मेरे को लुक वाइज जो है ना, ये शिमानो के 105 के डीरेलर जैसा ही लग रहा है, एंड उसी को देखते हुए भी L2 ने जो 11 स्पीड का है ये 105 के रेंज में ही निकाला है ताकि आप 105 जैसा उसमें पा सको। वी कैन सी वी हैव दी L2 ब्रांडिंग है, 11 स्पीड यहाँ पर लिखा हुआ है, R9 मॉडल, एंड देन काफ़ी स्मॉल कॉम्पैक्ट, काफ़ी छोटा सा डीरेलर है ये, शॉर्ट केज। पीछे के जॉकी व्हील्स भी आप देख सकते हो काफ़ी छोटे हैं इसमें। यहाँ पे माउंटिंग ऑप्शन, बी टेंशन स्क्रू, हाई एंड लोअर का भी यहाँ पे मिल जाता है। वी हैव दी बैरल एडजस्टर हियर, एंड ओवरऑल स्प्रिंग टेंशन इज रियली गुड, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, इसके स्प्रिंग का टेंशन काफ़ी टाइट है। सो हियर आर दी 2 फ्रंट डीरेलर्स जो L2 ने मेरे को भेजा है R9 सीरीज में। एक क्लैंप बेस्ड है जो डायरेक्टली आपके क्लैंप में लग जाता है, और एक फ्रेम के ऊपर माउंटिंग वाला बेस है, सो दैट जिस भी तरीके का आपका बाइक है वैसा फ्रंट डीरेलर चूज कर सकते हो। 2 स्पीड का फ्रंट डीरेलर है ये। सो ये है हमारा लेफ्ट हैंड का शिफ्टर्स, एज यू कैन सी 2 स्पीड का शिफ्टर्स है, तो इसमें 2 ही गियर हमको मिलेंगे, दैट्स 1, देयर यू गो 1, एंड दिस इज द 11 स्पीड का शिफ्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देयर वी गो, 11 हो गए पूरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देयर यू गो। सिमिलर होल्डिंग मैकेनिज्म, शिफ्टिंग मैकेनिज्म, एंड देन अप करने के लिए। क्लोजर लुक फॉर यू गाइज। नाउ आई नो यू गाइज वॉन्ट टू नो कि इनका प्राइस क्या है।
कि क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो बाहर से जो भी सामान आप खरीदते हो या इम्पोर्ट करते हो उस पर कस्टम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा देता है। सो आई कैन से कि ईजिली अगर आप एज अ पर्सनल यूसेज के लिए मंगवाते हो तो 40% तक का कस्टम ड्यूटी आपको पे करना पड़ सकता है। एज कम्पेयर टू शिमानो और SRAM, डेफिनेटली इनके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो सो इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग योरसेल्फ सम बजट ग्रुप सेट सो दैट यू कैन कस्टमाइज योर बाइक, या फिर आप अपने लिए खुद से ही कस्टमाइज बाइक बनाना चाहते हो, सो डेफिनेटली L2 के ग्रुप सेट को आप कंसिडर कर सकते हो। वी विल बी यूजिंग दिस R9 एज वेल एज द GR7 ग्रुप सेट, हम इसको टेस्ट करेंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरे पास बाइक है जिसमें मैं ग्रेवल को भी यूज़ कर सकता हूँ एंड रोड बाइक की ग्रुप सेट को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो हम इनको लगाएंगे एंड ट्राई करके देखेंगे कि ये जो ग्रुप सेट है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इसका वीडियो जब टेस्टिंग का आएगा आप उसको जरूर देख पाओ। सो आई सी यू विद सम मोर वीडियोज़। एंटिल देन, बाय बाय।